ये जो बस देख रहे हो आप लोग भाई, ये सब बेंगलोर का बिगेस्ट बस स्टॉप है, मैजेस्टिक बस स्टॉप भाई साहब। यहाँ में इतना सारा बस खड़ा रहता है ना, क्या ही बताओ। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे हजारों का क्वांटिटी में बस आता है डेली। और चलिए आगे आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। ये देखिए एक मंदिर है यहाँ पे, और चलते हैं आगे भाई साहब, बहुत कुछ देखने का मिलेगा। वीडियो जरा सा स्किप नहीं करना। हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और चलिए आज आप लोगों को थोड़ा घुमा के लाता हूँ बेंगलोर सिटी में। ये देखिए ये साइड में चलते हैं, चल के आगे चल के आप लोगों को दिखाते हैं भाई। बहुत ही अच्छा सिटी है, बहुत ही एक नंबर सिटी है भाई। देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आज मैं मेरा गाड़ी लेके नहीं गया था, मैं गया था बस में। सोचा आज बस में बैठ के देखते हैं, बस का मज़ा लेते हैं। ये देखिए एक टनल आ गया, टनल पास होते ही ये साइड में आ गया हूँ और दिखाते हैं आप लोगों को। ऐसे तो बेंगलुरु बहुत अच्छा सिटी है, लेकिन भाई मुझे एक चीज़ का बहुत ही रहता है कि और जगह भाई रेड लाइट एरिया है, इधर नहीं तो उधर भाई रेड लाइट एरिया बहुत सारा है बेंगलुरु में। और ये कड़वा है, लेकिन सच है कुछ लोगों को आग लग जाता है जब मैं रेड लाइट एरिया का वीडियो बनाता हूँ भाई। लेकिन है तो मैं क्या करूँ, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। कुछ लोग मेरा वीडियो में आके उल्टा पल्टा कमेंट भी करते हैं, मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब जो है वही ना दिखाऊंगा भाई मैं। और देखिए यहाँ पे ये हो गया कौन सा बस स्टॉप, आप लोगों को बताता हूँ। शिवाजी नगर बस स्टॉप जा रहे हैं हम, इधर जाके राइट साइड में आप लोगों को दिखाता हूँ, वीडियो में बने रहिएगा। ये रास्ता में सामने चलेंगे तो मिलेगा बस स्टॉप, और हम ये शिवाजी नगर बस स्टॉप में एंट्री कर चुके हैं। देख सकते हो आप लोग, बहुत बढ़िया बस स्टॉप है यहाँ का। और आगे दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए भाई साहब, यहाँ का शिवाजी नगर का एक मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है, पता ही होगा आप लोगों को। नहीं पता है तो बता देता हूँ मैं, मेरा एक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पूरा डिटेल्स में बता के रखा हूँ इस मार्केट के बारे में। आप लोग वो वीडियो मेरा देख सकते हो, यहाँ पे जाके शॉपिंग वगैरह कर सकते हो, बहुत अच्छा ही मार्केट है ये। थोड़ा दूर में और एक है चूर बाजार बोल के, बाइक गाड़ी वगैरह मिलता है भाई, उधर उधर जाके वीडियो बनाना इम्पॉसिबल है। यहाँ पे देख सकते हो बहुत बड़ा एक खूबसूरत बिल्डिंग बना हुआ है, और चलते हैं आगे आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए इस टाइम लाइट ऑन है बस स्टॉप का, दिखा रहा हूँ शिवाजी नगर का। पहले में तो लाइट बंद था, अच्छा नहीं दिख रहा था, अभी देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। और आगे आप लोगों को दिखाते हैं, रुकिए ज़रा। आप देखो मैं निकल चुका हूँ शिवाजी नगर बस स्टॉप से मेरा रूम की तरफ, और रास्ता सोचा आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ, कितना खूबसूरत रास्ता बना के रखे हैं। देख सकते हो आप लोग कितना अच्छा लगता है ना भाई। लेकिन एक चीज़ का दिक्कत है, जब शिवाजी नगर जाके आते टाइम भाई बस में इतना भीड़ रहता है ना, भीड़ में भी और एक मज़ा है भीड़ में बैठने का भी। मैं गाड़ी लेके नहीं गया था, सोचा आज बस का मज़ा उठाते हैं और आप लोगों को बस में चलने का मज़ा एक्सपीरियंस करवाते हैं भाई। अच्छा ही था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन मेरा सच बोलूँ तो सर में दर्द रहा था, इतना भीड़ थे ना भाई साहब बस में। मैं कैसे तैसे करके वीडियो बनाया हूँ, वीडियो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और भाई इतना तकलीफ उठाता हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ भाई, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हो तो। मैं ऐसे ऐसे नए नए वीडियो हमेशा आप लोगों के लिए लाते रहूँगा, और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप लोग देख पाए। हमारा चैनल का 1K सब्सक्राइबर बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की वजह से, उसके लिए दिल से शुक्रिया आप लोगों को। Harder gets to know me, the better than the last.